ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अब प्रदेश की ओर। ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में मकर संक्रांति से बनाए जा रहे 7 दिवसीय धृत मंडल पर्व के अंतिम दिन सुबह से ही हजारों शिव भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह से ही मंदिर में दर्शन करने वालों की लंबी कतारें देखने को मिली, जो मुख्य गेट से होती हुई बाहर तक जा पहुंची थी। ये सिलसिला संध्याकालीन आरती तक जारी रहा। ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में मकर संक्रांति से मनाए जा रहे 7 दिवसीय घृत मंडल पर्व के आज अंतिम दिन था। सुबह के समय हजारों शिव भक्तों द्वारा भोलेनाथ के दर्शन किए गए। सुबह से ही मंदिर में दर्शन करने वालों की लंबी लाइनें लगी रही, जो मुख्य गेट से होती हुई बाहर तक जा पहुंची। ये सिलसिला संध्याकालीन आरती तक जारी रहा। मान्यता है कि मकर संक्रांति से आरंभ हुए इस घृत मंडल पर्व पर 7 दिनों तक भोलेनाथ इसी रूप में मंदिर में विराजमान रहते हैं। जो कोई सच्चे मन से अपनी मुराद लेकर भोलेनाथ के दर पर आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सदियों से मनाए जाने वाले इस पर्व की अनेकों गाथाएं हैं। इस 7 दिवसीय घृत मंडल के दर्शन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ही नहीं बल्कि अलवत्ता बाहरी राज्यों से भी शिव भक्त दर्शन कर पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। वहीं शिव भक्त इस घृत को अपने घरों में पूरा साल समृद्धि के रूप में भी संजो कर रखते हैं। कुल मिलाकर शिव मंदिर बैजनाथ, महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल मुकुटनाथ मंदिर संसाल में इस घृत मंडल पर्व पर पूरा सप्ताह भक्तों का भारी संख्या में आगमन हो रहा है। पूरी शिव नगरी भक्तिमय रंग में डूबी है। न्यास सदस्य अनिल शर्मा ने कहा कि इस अनूठे घृत मंडल के वे पहली बार अपने परिवारों सहित दर्शन कर रहे हैं, वे धन्य हो गए। 14 फरवरी मकर संक्रांति से शुरू हुए इस घृत मंडल का समापन आज सुबह 21 जनवरी को हो गया है, और इस दौरान घृत को शिव भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। इस घृत को जो भोलेनाथ का प्रसाद है, खाना निषेध है। इसका प्रयोग चर्म रोगों के लिए मरहम के रूप में लगाया जाता है। जो घृत शिव जी की पिंडी पे चढ़ाया गया था, वो कल उठाया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं से हमारी अपील है कि जितने से ज्यादा इसके दर्शन कर सके वो कर लें, और कल इसको 7 रुपये घृत को लोगों में बांटा जाएगा। और सभी से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अपना अपना प्रसाद लेके जाए यहाँ से। और इन 7 दिनों में यहाँ पे भारी रस देखा गया और लोगों की भारी आस्था शिव घृत मंडल को देखने में रही।